विवादों में फंसी वेब सीरीज तांडव के मेकर्स को बॉम्बे हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने तांडव के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर समेत चार लोगों को 3 हफ्ते के लिए जमानत दे दी है, लेकिन तांडव पर सियासी तांडव अब भी जारी है। डायरेक्टर ने माफी मांगी, मेकर्स ने विवादित सीन हटाने का फैसला किया, लेकिन फिर भी नहीं थमा वेब सीरीज पर जारी सियासी तांडव। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हिंदू संगठनों ने वेब सीरीज के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक्टर सैफ अली खान का पुतला फूंका, तो मुंबई में बीजेपी के समर्थकों ने भी थाने में शक्ति प्रदर्शन किया। उज्जैन में वेब सीरीज के खिलाफ सड़कों पर उतरे हिंदू सेना के अध्यक्ष संत अवधेश पुरी ने जोश में विवादित बयान भी दे डाला। बोले, अभी तो सिर्फ पुतला फूंका है, अगर उज्जैन आए तो उन्हीं को जला डालेंगे। अगर ये दोनों कलाकार जिन्होंने भगवान शिव का अपमान किया जाए, अगर यहाँ आ जाते हैं तो हम उनको बता देंगे कि हिंदू क्या होते हैं। अभी तो उनका पुतला जलाया, हम उन्हीं को जला डालें। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी वेब सीरीज तांडव के खिलाफ FIR दर्ज हुई। हिंदू सेवा परिषद ने देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाते हुए डायरेक्टर अली अब्बास जफर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जो तांडव सीजन के डायरेक्टर हैं अली अब्बास, उनके राइटर हैं गौरव सोलंकी एवं अन्य कलाकार, इनके खिलाफ लीगल ओपिनियन लेने के उपरांत 153A 295A 505 सबसेक्शन 2 ऑफ IPC के तहत कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक अब MP पुलिस मुंबई जाएगी और तांडव वेब सीरीज के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर से पूछताछ करेगी। FIR अगर हुई है तो जाएगी, मैंने कल ही कहा था कि FIR होगी, हो गई। मध्य प्रदेश की तरह ही मुंबई में भी तांडव पर बीजेपी का सियासी तांडव जारी है। बीजेपी नेता राम कदम की अगुवाई में पार्टी समर्थकों ने एक बार फिर पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन किया। इस बीच वेब सीरीज के खिलाफ लखनऊ में दर्ज मामले में पूछताछ के लिए मुंबई पहुंची UP पुलिस को जांच की परमिशन नहीं मिली, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भरोसा दिया कि वो FIR कर शिकायत पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और UP पुलिस को पूरा सहयोग करेंगे। हमको इतला उनका आया था, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन उनका आता है कि भाई हमारे कुछ लोग आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको सहयोग करो। उस प्रकार से हम भी वहाँ पे जाते तो हमको भी वो सहयोग करते, उनके लोग यहाँ पे आते तो हम भी उनको सहयोग करते। अनिल देशमुख के बयान के तुरंत बाद मुंबई में वेब सीरीज तांडव के मेकर्स के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो गई। तो उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर समेत वेब सीरीज से जुड़े चार लोगों को 3 सप्ताह की अग्रिम जमानत दे दी। पुलिस स्टेशन में कलम 153A 295A और 505 सबसेक्शन 2 IPC अंतर्गत गुना दाखिल हुआ है ये वेब सीरीज के पदाधिकारी और एक्टर के खिलाफ, इस गुना का तपास चालू है। ने मुंबई उच्च न्यायालय में ये दलील पेश की कि हमको ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी जाए ताकि हम उत्तर प्रदेश के जो कोर्ट है वहां जाकर के जो अप्रोप्रिएट रिलीफ है वो अप्रोप्रिएट कोर्ट में एप्लीकेशन कर सके। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी दलील को स्वीकारते हुए हमें 3 हफ्तों का समय दिया है। तांडव के डायरेक्टर ने सोमवार को ही बिना शर्त माफी मांग ली थी, तो वहीं मंगलवार को मेकर्स ने विवादित सीन हटाने का भी फैसला कर लिया था, लेकिन सियासत को इस मुद्दे का शांत होना शायद अच्छा नहीं लग रहा। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ दीपक दुबे, मुंबई न्यूज 24।